अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे सब लोग खैरियत होंगे। आज आपके लिए मैं कोरोला ग्रैंडी का रिव्यू लेकर आया हूँ, लेकिन ये ग्रैंडी आम ग्रैंडी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट ग्रैंडी हैदराबाद में, एयर वाली ग्रैंडी 2018 मॉडल है। इनके ओनर से भी हम मिलते हैं, उन्होंने जो मॉडिफिकेशन किया आप देख सकते हैं, स्प्लेटर लगे हैं नीचे और 17 इंच के अलॉय में पूरी गाड़ी रैप है। इसका जो शशका है ना गाड़ी का, वो ये आप देखें, उसको दबाऊँगा गाड़ी ऊपर उठाएगी और नीचे के सर की वन दबाएंगे तो पूरी बिटा नहीं। हाँ ये चलो वन दबा दे, शशका भी देखना दबाएंगे, ऊपर करें जबरदस्त। और सारा सिस्टम मैं बताऊंगा कि इसका क्या है, कैसे खर्चा कितना है, पूरा ओनर रिव्यू हम जो है वो लेंगे। आगे आलू का आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा जबरदस्त खूबसूरत लग रही गाड़ी। इंटीरियर में भी पूरी फुल मॉडिफिकेशन उन्होंने भाई ने की हुई है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फुल सिंपल जो होती है, बिल्कुल वीआईपी करके उन्होंने बनाया इसको गाड़ी को। उसके जो टायर हैं आप दिखा देता हूँ आपको, पिछले टायर लगे हैं और देखो नीचे हो गए ना, ये शशका ज़बरदस्त ज़बरदस्त 225, 45 और 17 के टायर, अलार्म भी बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी भाई। एयर का जो सिस्टम है पूरा इसमें डिग्गी में होता है, यहाँ से ओपन करेंगे आप देख सकते हैं, इसमें हवा भी भर रही है, पूरा सिस्टम है जैसे होता है, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, बेहतरीन लग रहा है भाई। इसमें जो है वो मफलर भी लगा हुआ है, वो GT हाइपर का लगा हुआ है आप देख सकते हो। मेरे साथ गाड़ी का ओनर है सुफियान भाई। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई, क्या हाल है? अस्सलाम भाई, क्या हाल है? खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। इनकी गाड़ी है ये, पूरा जो भी इन्होंने मॉडिफिकेशन की है सारा इनसे हम ओनर रिव्यू लेते हैं। तो सुफियान भाई सबसे पहले बताइए कि आपने ये एयर वगैरह कहाँ से लगवाया, इंस्पिरेशन क्या दी, मोटिवेशन कहाँ से मिली, कैसे हुआ? यार मोटिवेशन ये थी कि गाड़ी खड़ी थी तो बाबा कह रहे थे गाड़ी लेते हैं, तो गाड़ी जब लेने पे आए तो गाड़ियाँ काफ़ी महंगी भी हो चुकी थी और वही वाली बात है कि बनी बनाई गाड़ी का हर कोई ले लेता है, बट असली मज़ा उसमें ही होता है जो बंदा वो करे, उसको बनाए, अपने दिमाग लड़ाए। तो हमने सोचा चलो यार एक गाड़ी खड़ी है, 2018 का मॉडल है, खड़ी है, इसको बनाते हैं, देखते हैं क्या चीज़ बनाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ से मोटिवेशन मिली, हमने बनाना स्टार्ट की। जो एयर है वो एयर हमने गुजरावाला से लगवाई, अली रज़ा हमारे अच्छे भाई भी, अभी हम उनके साथ काम भी स्टार्ट कर चुके हैं, इंशाल्लाह सिंध में भी अभी जो हैं ये लगेंगे, हैदराबाद में ही जो 3-4 तो अभी ऑर्डर आ चुके हैं, तो अभी स्टार्ट होगा इंशाल्लाह सिंध में भी हम ये चीज़ ट्रेंड स्टार्ट करेंगे एयर सस्पेंशन का। तो फिर हमने बस कराची से कुछ इंटीरियर का काम कराची से हुआ है, एयर का काम गुजरावाला से हुआ है, रिम हमारे इस्लामाबाद से, तो मतलब पूरे पाकिस्तान से जो जो चीज़ें थी हमने सारी आके एक जगह करके लगा ली इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने सोचा नहीं था कि गाड़ी इतनी वो बनेगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह भाई हो गया, कज़न हो गए, इन सब की मतलब एक दिमाग लड़ा के ना, कि एक मशवरा सारों से ले लेके ना उस चीज़ को हमने तैयार किया। तो इसमें काफ़ी हमारा मेरा भी हाथ है, काफ़ी भाई का भी हाथ है, काफ़ी कज़नों का भी हाथ है, तो मतलब सारे मिलके ना जो एक चीज़ हमने तैयार की ना, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी निकल आई। नहीं नहीं ज़बर है, बहुत ज़्यादा ज़बर, मुझे खुद ऐसी गाड़ियाँ अच्छी लगती है जो मतलब सिंपल हो और मतलब बेहतरीन हो, डिसेंट लगे, वो नहीं हो खूनचराबाजी ज़्यादा, मतलब वो मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं करती वो गाड़ी ज़्यादा। सही। अच्छा एयर तो हो गया, एयर तो वो ज़ाहिर है सबको मतलब कंट्रोल करो तो वो नीचे ऊपर पूरा सिस्टम है। सही आप। और उसके अलावा आपने जो बाहर तो रैप किया था, मेरा कराची से कराया था, रैप कस्टम रैप से करवाया था मैंने। अच्छा, कराची में कितना खर्चा किया उसका? अच्छा एयर का खर्चा कितना किया आपने? एयर का जो खर्चा है वो उस टाइम तो डॉलर के हिसाब से होता है कि डॉलर से अभी $2,650 का उस टाइम में था, ठीक है $3,000 वैसे ही था। तो अभी जो है जैसे डॉलर बढ़ता जाएगा, क्योंकि डॉलर के हिसाब से ही आपको ये चीज़ मिलेगी, मुझे उस टाइम में 6.5-6.80 का ये मुझे पड़ा था। 6.80 का? जी 6.80 का। अच्छा ये रैप कितने का पड़ा आपको? रैप मैंने डायलॉग में करवाया है, क्योंकि ये 3M का रैप होता है, ओरिजिनल रैप है, और ये आपके साथ अगर आप इसका ख्याल रखोगे ना आपसे 10 साल भी चलेगा, वैसे ये आपसे 5 साल भी चल जाता है, 5 साल बंदा चला लेता है, इससे बड़ा और कोई चीज़ नहीं है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।
अच्छा, ये जो और बाहर जो रिम है वो उसका आपने कितना खर्चा किया? 17 की रिम, जो 17 का रिम है, ये जो टायर और वो मिला के ना, ये तकरीबन 2.5 लाख का हमें ये भी पड़ा था, क्योंकि जो टायर डला हुआ है वो मिचेलिन का डला हुआ है, तो मिचेलिन के आपको पता है उसका महंगे होते हैं, महंगे ही होते हैं, उसका नाम ही फिर है, क्योंकि वो चलने वाली चीज होती है। सही, जबरदस्त। अच्छा, आपने जो है वो एयर के बाद उसमें मसले मसाइल कोई गाड़ी में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मसले मसाइल पेश नहीं है, और अगर पेश भी आएंगे तो वही वाली बात है कि मैंने खुद ही स्टार्ट कर दी है, तो मसले मैं खुद सॉल्व करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसले नहीं आते, और जितने भी अली रज़ा ने अभी तक लगाए हैं किसी के भी मसले नहीं आए। ज़बरदस्त। अच्छा, पंजाब में तो बहुत सारी गाड़ियाँ हमने देखी हैं, वो नाडो गिरे वगैरह, ये वो, तो इंस्पिरेशन कौन सी थी, वहाँ से थी या वैसी थी? मुझे उज़ैफ़ा सलीम से थोड़ी इंस्पेक्शन मिली थी जी। बट वो वाली बात है कि लोग फिर भी उस चीज़ को वो करते हैं, मतलब एक चुपते हैं कि यार आपने उसकी कॉपी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी की कॉपी नहीं की, और एक वो होती ना इंस्पिरेशन जो होती है वो मुझे उधर से आई थी कि यार एक गाड़ी है तैयार करते हैं, तो उस पर मैंने और मज़ीद अच्छा किया। उस टाइम में उज़ैफ़ा भाई ने जो काम कराया था वो सिर्फ उसका करवाया था, बाहर रैप वगैरह जो करवाया था, मैंने बोला कि यार गाड़ी तैयार करो तो ए टू जेड तैयार कर, तो ए टू जेड मैंने तैयार कराई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी भी लोग मतलब कमेंट्स आते हैं कि आपने वो, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग बोलते हैं भाई मुझे मतलब होता है ना एक बंदे को कि यार मतलब चलो बोलते हैं बोलने दो, बट पाकिस्तानी कम्युनिटी ऐसी है कि आप जो चीज़ तैयार करोगे आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, आपको वो करेंगे डीमोटिवेट करेंगे कि यार बंदा बस जाए, मतलब जो उसने पैसे लगाए वो ख़त्म हो जाए, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहे। नहीं नहीं, वो आप बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जो वो उज़ैफ़ा जो भाई हैं नाटो गाड़ी, मैं बोलता हूँ उससे ये अच्छी है, मुझे उससे पर्सनली मेरा व्यू है, मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी। भले आप कुछ भी बोलो, कॉपी बोलो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भाई को फ़र्क नहीं पड़ता, पड़ना भी नहीं चाहिए किसी को फ़र्क। बाकी इंस्पिरेशन होती है ज़ाहिर है हर किसी, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2017 में, तो हर कोई बोलता रहा इरफान भाई को कॉपी कर रहे हो, भाई वो इंस्पिरेशन है भाई हमारी, और भाई का चैनल भी है। आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है वो फुल ए टू जेड जो तैयार हुई ना, उसमें मैंने टोटल बताया कि गाड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से एंड की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सब। अभी जो इसके मसले पेश आते हैं, मतलब छोटे मोटे जो काम होते हैं वो भी उसमें, मेंटेनेंस वगैरह, ये मेंटेनेंस वगैरह चल रही है उसमें, तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है ना वो उसका मिल जाएगा। और इसके अच्छा बाहर से तो ये तीनों चीज़ें हो गई, रैप हो गया, एयर हो गया, और ये रिम अच्छा, हो गई। दूसरा इसका नाम के चक्कर में, नाम जो है बड़ा, जो बड़े भाई हैं मेरे रिजवान, नाम उसने ही सोचा था, क्योंकि एक गेम आती थी पहले वार जोन के नाम से, तो उसमें एक बड़ा अच्छा करेक्टर था गोस्ट के नाम से, गोस्ट वो जो नंबर प्लेट, हाँ, तो वो बड़ा भाई ने बोला कि नाम ऐसा रखो कि मतलब, अब ये गाड़ी जब रात में खड़ी होती कोई और शेड मारती है, जब दिन में दोपहर में निकलती कोई और शेड मारती है, क्योंकि ये रैप इसको कहते हैं सेट इन डार्क ग्रे, सेट इन डार्क ग्रे, तो रात में जब होती है ऐसा लगता है कि जैसे डार्क का कोई वो शेड मार रही है, हालांकि वो सेटन है, तो मतलब इसमें काफ़ी शेड्स हैं। सही, नहीं नहीं ज़बरदस्त, नहीं नहीं गाड़ी माशाल्लाह खूबसूरत है, A1 गाड़ी। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हो गई, इंजन में आपने कुछ नहीं किया? नहीं, इंजन जो है वही करेंगे, नहीं नहीं करूँगा, क्योंकि इस इंजन के साथ जुल्म है। मैंने इसके लिए शौक पूरे करने के लिए ड्रिफ्टे हो गई आपकी जो गाड़ी की, थोड़े पटाखे टाखे जो होते हैं उसके लिए मैंने मार्केक्स लिए, अभी मार्केक्स प्रोजेक्ट पे है, वो वाइट वाली जी, वो भी प्रोजेक्ट पे चल रही है। इंशाल्लाह उसको भी आप इंशाल्लाह तैयार करें, उसका भी करेंगे रिव्यू। और ये हो गए सारी बाहर से, और अब जो इंटीरियर है, मुझे बाहर से ज़्यादा इंटीरियर जो है ना ज़्यादा खूबसूरत लगा, इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये सबसे पहले तो मुझे ये बताया रोल्स रॉयस वाला जो सीन है यार, ये इसको स्टार लाइट कहते हैं, और इसके ऊपर जो कुशनिंग लगी हुई है वो बाहर की कुशनिंग है, यहाँ की नहीं, हाँ बखमल की होती है, जो बड़ी गाड़ियों में अक्सर यही लगा होता है, ये लेक्सस वगैरह में, तो ये टोयोटा हैरियर जो नया शेप है उसमें भी ऐसे ही है, तो वही इसको जो है ना थोड़ा सा वो, क्योंकि बंदा अंदर बाहर से खूबसूरत हो, अंदर बंदा बैठ के चलाए वो चस नहीं आती, तो उस चीज को पूरा करने के लिए हमने बोला इंटीरियर भी तैयार करना लाजमी है। इंटीरियर में जो ये कार्बन फाइबर है डिप है या आपने ऊपर, ये डिपिंग हुई हुई है, जो स्टेयरिंग है वो ओरिजिनल कार्बन फाइबर है। अच्छा जी, जो अच्छा ये ओरिजिनल है जी, ये अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं जबरदस्त, ये भी महंगा चल रहा है आजकल, ये कार्बन तो बहुत ऊपर चला गया, उस टाइम में तो डॉलर का हिसाब था, अभी तो डॉलर के हिसाब से ही आपको मिलेगा। सही, अच्छा इसमें मफलर कौन सा लगा है, हाइपर का? जीटी हाइपर का जो होता है वो ओरिजिनल लिया हुआ है,
काबली में हमने मिला था, पर वैसे अगर आप इसको सर्च मारोगे तो ये तकरीबन है 300-350 डॉलर का बाहर मुल्क में। तो हमें तो काबली में मिल गया था 40,000-30,000 में हमें मिल गया था ये चीज़। सिर्फ वही मतलब कट के और वही? हाँ वही वही। हाँ मैंने बीच में लगाया था जब कुछ ऑटो शोते वगैरह स्ट्रेट पाइप लगाई थी, बट वही वाली बात है कि स्ट्रेट पाइप बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, बहुत लाउड हो जाता है कि बंदा फिर ये होता है कि यार थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है। और दूसरी बात ये कभी कभी फैमिली में भी गाड़ी चलती है, अक्सर नहीं चलाता हूँ फैमिली के लिए मैं दूसरी गाड़ी, फैमिली के साथ। हाँ क्योंकि फैमिली के साथ लोग होते हैं आते हैं वीडियोज वगैरह, तो फैमिली का वीडियो होती है तो बंदा थोड़ा सा वो होता है मतलब किसी की प्राइवेसी होती है, तो वो उस चीज़ के चक्कर में मतलब गाड़ी मैंने छोटी सी ली हुई है तो जब फैमिली होती तो वो चलाता हूँ। बट फिर भी इसको लॉन्ग रूट पे हमें लेके जाना है, हमारा अक्सर इस्लामाबाद वगैरह चक्कर लग रहा होता है तो हमें ये गाड़ी लाजमी चाहिए होती है, तो इसलिए फिर लॉन्ग रूट पे भी मतलब अभी ईद के बाद ही हमारा जाना होगा। और ईद के बाद काफ़ी कंटेंट आने वाला है और काफ़ी नई नई चीज़ें आ रही हैं, लोगों के लिए सरप्राइज़ भी रखा हुआ है, लाहौर में एक सरप्राइज़ है लोगों के साथ, तो लोगों के लिए इंशाल्लाह को जो मेरा कोशिश यही होती है कि लोग खुश हो और कंटेंट बने। और अभी रिसेंटली लाहौर का जो टूर लगेगा वो लोग काफ़ी पसंद करेंगे, एक नई चीज़ आने वाली है। अच्छा इंशाल्लाह इंशाल्लाह सही है। अच्छा हमें वही, मैं जब इधर आ रहा था रिव्यू के लिए, मैं ये सोच रहा था कि घर के लिए गाड़ी नहीं होगी क्योंकि फैमिली के साथ फिर ये खड्डों में फिर ये। अच्छा ये गाड़ी की थोड़ी हार्ड है गाड़ी की जो राइड है? अच्छा हार्ड इसको हम जब थोड़ा सा नीचे करेंगे ना, अभी हार्ड इसलिए क्योंकि हम स्लो स्लो चल रहे हैं। आप जब इसको एक चालू हो जाएंगे ना हाईवे पे, जब आप इसको चलाएंगे ना आप बोलेंगे कि यार मतलब आपको महसूस ही नहीं होगा। राइड इसकी ऐसी होती है कि नॉर्मल ग्रैंडी होती है बहुत हाइट पे होती है, उससे हवा क्रॉसिंग, इसको इसके जो ब्रेक जो उस टाइम काम करते हैं सब चीज़ें अभी भी बड़े ज़बरदस्त काम, क्योंकि उसके हवा क्रॉसिंग ज़्यादा नहीं है। और जो दूसरे आते हैं लो राइडर के वगैरह के जो सस्पेंशन आते हैं वो, अगर आपने उसकी राइड ले ली ना तो आपकी वो ज़िंदगी की आखिरी राइड होगी और वो आप ज़िंदगी में उसका राइड कभी नहीं लेंगे। ये तो एयर बीएफटी है, ये फिर भी मतलब माइनर सा जो होता है वो थोड़ा सा बम्पी है, बहरहाल इसका इतना बम्पी नहीं है क्योंकि मैं चलाता रहता हूँ ना। नॉर्मल बंदा जब गाड़ी से उतरता है तब उसको थोड़ा सा ये थोड़ा सा लगता है कि यार बम्पी, पर अगर आप उससे उतर के लो राइडर की उसमें बैठ गए ना फिर वो उसका आपका वो ये आखिरी दिन होगा। नरम हो जाएगी हाँ, और नरम हो जाएगी और स्मूथनेस बढ़ जाएगी। अच्छा ये पूछना तो नहीं चाहिए, जाहिर है ये वो गाड़ी नहीं है, पर फ्यूल एवरेज में? यार फ्यूल एवरेज में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग पे अच्छा है क्योंकि टायर बड़ा हो गया, उसकी चौड़ाई बड़ी हो गई, 17 का रिम हो गया, लोड ज़्यादा पड़ गया और जो टायर चौड़ा मैंने डलवाया है तो चौड़ा टायर है, और मफलर भी हो गया क्योंकि मफलर भी आपकी आवाज़ ज़्यादा फेंक रहा होता है, तो इस वजह से भी जो है गाड़ी थोड़ा सा एवरेज अभी तो तकरीबन शहर में मुझे 7.5 देती है, लॉन्ग पे मुझे 10 दे देती है, 11 दे देती है। अच्छा अभी जो आप जैसे टर्न वगैरह कर रहे हैं बिल्कुल इजी तो गाड़ी लग रही वगैरह नहीं है? नहीं, तो अभी जो है गाड़ी ओरिजिनल राइड पे? हाँ इसी राइड पे मैं हाईवे पे चलाता हूँ, इससे और ऊपर होती है वो ये होती है कि जंप वगैरह बड़ा आता है तो उस पे ये जो उससे भी और ऊपर होती है जब आप बड़ा जंप हो तो मतलब इसमें ये अंदर जो जो ये पूरी किट पड़ी हुई है इसकी एयर की तो ये तंग डिस्टर्ब नहीं करती आवाज़ वगैरह? नहीं ये अभी वो मोटर चली उसने अपनी एयर भर दी वो, हाँ अभी फुल है चुप है। आपकी रिमोट जो था आप बोल रहे थे कोई? ये रिमोट होता है ये। अच्छा सही ठीक है, तो ये तार के साथ पीछे से आया होता है? अच्छा तार के साथ ही काम करेगा? हाँ तार के साथ, वायरलेस नहीं होता? हाँ वायरलेस नहीं होता, वायरलेस आपको ब्लूटूथ दिया होता है इसमें तो ब्लूटूथ मोबाइल से आप कहीं भी खड़े। वो मैं कर रहा था जी वही 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 हिसाब होता है। और कुछ कहेंगे गाड़ी के बारे में, बुरी चीज़ या कोई ऐसी चीज आपको जो मतलब जो चीज़ें आपने आपको तंग करती हो कि यार ये चीज़ करनी है, तो कोई कर रहा हो तैयार कर रहा हो गाड़ी तो उसको कोई इंस्पिरेशन आप दो? गाड़ी अगर आप तैयार कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अपना जो बंदा होता है ना कि यार मोटिवेशन अपनी तोड़ना नहीं है, गाड़ी तैयार करना इजी है फिर उसका ख्याल रखना जो है ना बड़ा मुश्किल है। मैं रख रहा हूँ ना क्योंकि जब रैप बंदा करवाता है तब उसको बहुत केयर करनी पड़ती है क्योंकि रैप कहीं से फट ना जाए, कहीं उसको पत्थर ना लग जाए, छोटे से जो पत्थर होते हैं ना वो भी अगर जोर से आके लगेंगे ना आपकी उस पर तो रैप पे आपके रैप को फाड़ देता है। तो थोड़ा सा ये है कि आपको फिर दिल बड़ा रखना पड़ेगा।
आपको ये चीजें भी आपकी उसमें आएगी, क्योंकि मैं अभी फेस कर रहा हूँ, बट फिर भी मेरा वो है कि यार मुझे पता हो, मैं जब मैं रैप कर रहा था मुझे पता था कि भाई ये चीज आनी है आप पे, तो मैंने पहले ही सोच के मतलब रैप कराया कि यार ये चीजें तो होंगी उसमें, तो उस हिसाब से। अच्छा, अंदर लेदर जो आपने सर ऊपर से लगवाया, हाँ नहीं पुराना निकाल के पुराने के ऊपर ही लगाया है, और जो ये भी इधर से हैदराबाद से, नहीं ये कराची से, ये ओरिजिनल लेदर इसको कहते हैं, और इसमें जो कंट्रास्ट दिया है वो रेड वाइन का कंट्रास्ट दिया है, ब्लैक एंड रेड का दिया भाई। इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा डिप्पे कार्बन फाइबर में, ये भी इन्होंने एक्स्ट्रा लगवाया है सीट कवर, रिट्रैक्ट मिरर तो होते हैं इसमें ग्रैंडी में, ये इन्होंने ऊपर से लगवाया ये वाला स्टीयरिंग पूरा चेंज है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, ब्रेक पे पांव रखा, इसमें जो है वो देख सकते हैं ये जो है ना ये पड़ा हुआ है अंदर सिस्टम है पूरा इसका, एयर का रिमोट जो है ना वायरलेस भी होता है, लेकिन इन्होंने भी लिया नहीं, इन्होंने ये लगाया इसको ऊपर नीचे यहाँ से कर सकते हैं, गाड़ी पूरी नीचे हो जाएगी, थ्री दबाएंगे गाड़ी ऊपर हो, अब हवा भर रही है पीछे। अच्छा, छत का जो सीन है आप देख सकते हैं पूरा पूरी जो है ना स्टारलाइट्स बेहतरीन ज़बरदस्त, सबसे फेवरेट जो चीज़ है ना मेरी ये है, इन्होंने बहुत मेहनत की गाड़ी पे, पूरा जो है ना बखमल का ये लगाया इसमें, टच दिया बेहतरीन, स्टेयरिंग भी ज़बरदस्त है उसका जो है, हम रेस देते हैं भी ज़बरदस्त, ड्राइव लेते गाड़ी की। इन्होंने मुझे बताया कि इसको जो है ना वन पे नहीं करना, क्योंकि वन पे बहुत ज़्यादा गाड़ी नीचे हो जाएगी, इसको मुझे टू पे रखना है, थोड़ी राइड बम्पी है, बम्पी है गाड़ी की थोड़ी राइड, बाकी इंजन वगैरह में सब सेम है, उन्होंने बताया ना, जैसे साउंड का यार जो उसमें मफला लगा है ना बड़ा शौक है मुझे, पर अब भाई सीट बेल्ट तो लगा, सॉरी यार मफलर का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन अब वही गाड़ पाते ना वो फैमिली कार है तो उसमें यार इसमें नहीं कर सकते देते। थोड़ी गाड़ी हार्ड है थोड़ी, मैं टेस्ट ड्राइव सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि पता चले कि गाड़ी हार्ड है क्या है, और तो कुछ भी नहीं, बाकी तो सब सेम है माशाल्लाह। तो रेव करते थोड़ा अभी, बंदा शौक करे तो फिर ऐसा करे,